सवार जो मैदाने जंग में लड़ते हैं, गिरते हैं सवार जो मैदाने जंग में लड़ते हैं, वो तिफल का रेग ही क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ चंद उत्साहवर्धक पंक्तियों के साथ। आप सभी स्वस्थ होंगे और वीडियो को देख करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसे हम आप सभी से आशा करते हैं और आप हमारे आशा पर खरी भी उतर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अपने तक तो देखिए ही और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए जिससे अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके। तो साथियों, आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। हमारा टॉपिक पीछे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप व्हाइट बोर्ड पर, शिक्षण की अवस्थाएं फेसेस ऑफ टीचिंग नामक यह टॉपिक आपके बीएड के जो प्रथम इकाई है मनोविज्ञान की, उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये समझ लीजिए है। यह आपको टेट सीटेट ठीक है, बाकी जो भी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं होती होंगी उसमें आपकी यह कार्य करेगा। इसलिए इसे आप अच्छे समझिए। मैं बार बार कहता हूं, जो बीएड सही से पढ़ लेता है उसे टेट सीटेट या अन्य किसी राज्य के टेट की परीक्षा देने के लिए कोई कोचिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मनोविज्ञान से बिल्कुल न घबराए, हमारे साथ बने रहे और मनोविज्ञान को जब अच्छे से सरल शब्दों में उदाहरण सहित समझने की कोशिश करता चले। तो आइए बिना देर किए आते हैं आज अपने वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले शिक्षण की अवस्थाएं, तो मैं बता दूं आपको कि शिक्षण की अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है। इस शब्द से तो शिक्षण की अवस्थाओं से तात्पर्य यह है कि कोई भी शिक्षक है कक्षा में जाने से पूर्व कुछ तैयारी करता है, कक्षा में जाने के बाद भी क्या करता है, कुछ क्रियाकलाप करता है, और जब अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है तो शिक्षण कार्य समाप्त करने के बाद भी कुछ कार्य करता है, जिन्हें हम शिक्षण की अवस्थाएं कहते हैं। और इनको हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। पहला है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है अंत संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है पश्च संक्रियात्मक अवस्था। यह जो तीनों संक्रियात्मक अवस्थाएँ हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं शिक्षण के लिए। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं पहले टॉपिक तैयार करता हूँ, मुझे कल ये पढ़ाना है, फिर मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के बाद मैं आप सबसे क्या करता हूँ, कमेंट के माध्यम से जवाब चाहता हूँ कि आप सभी क्या पढ़े हैं, क्या नहीं समझ में आया, तो मैं बोलता हूँ कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं। तो वही है, यह तीनों अवस्थाएँ समझेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री एक्टिव फेस। प्री एक्टिव फेस में क्या होता है, सबसे पहले यह जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है यह शिक्षक के कक्षा में जाने से पूर्व की अवस्था है। देखिए, इसमें पूर्व शब्द लिखा हुआ है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी सक्रिय होने से पूर्व की अवस्था को पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे कि कोई टीचर कक्षा में कल पढ़ाना है तो आज वो जो तैयारी करेगा कक्षा जाने से पहले, उसे हम कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें कौन कौन से आपके सोपान होते हैं, देखिए सबसे पहला था शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। शिक्षण उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षक अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि हम किस लिए कक्षा में जा रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हंसाने के लिए जा रहे हैं, चुटकुला सुनाने के लिए जा रहे हैं, हम किस लिए कक्षा में जा रहे हैं। शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित करता है। उसके बाद है दूसरा पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु मतलब आपके टॉपिक संबंधित होता है, वह आपका पाठ्य वस्तु सेलेक्ट करता है, यानी कि कोर्स कंटेंट, यानी आपके कोर्स में उसको कौन सा चीज़ पढ़ाना है वह उस पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है कि हम कक्षा में जाएंगे तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ाना है, अकबर पढ़ाना है। ठीक, उसके आगे शिक्षण शैली, वह टीचिंग मेथड का भी सिलेक्शन करता है कि कौन सी टीचिंग मेथड को हम अपनाएं कि बालक अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सके। ठीक है, तो जैसे आए कि शिक्षण उद्देश्य हो गया कि हमें इतिहास ज्ञान प्रदान करना है, पाठ्य वस्तु में कि हमें अकबर पढ़ाना है, अकबर पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना होगा, किस शिक्षण शैली का, तो हमें व्याख्या शैली का प्रयोग करना होगा, तो हम वहाँ पे लेक्चर मेथड का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं फिर शिक्षण व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना से मतलब यह है कि शिक्षक निर्धारित करता है कि हमें क्लास में जाने पर कैसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, किन छात्रों से प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न पूछना है। देखिए, इसमें दो तीन स्थितियाँ होती हैं जो शिक्षण को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला होती TLM, अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उस हिसाब से बालकों से प्रश्न पूछना उसे चाहिए, इसलिए वह शिक्षण व्यूह रचना का निर्माण करता है कि कल हम
किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी कि उसके अनुसार हम प्रश्न कक्षा में पूछेंगे। उसके बाद वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण व्यूह रचना करते समय टीचर को वातावरण का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे प्रश्न पूछें जैसे माहौल जरा विवादास्पद न हो क्लास में, ठीक है, बालक आसानी से उत्तर दे सके। ये अन्य सारी चीज़ों का ध्यान वो शिक्षण व्यूह रचना में करता है अपने, ठीक। उसके बाद है शिक्षण युक्तियों का चुनाव। अंत में शिक्षक जो होता है कक्षा में जाने से पूर्व सबसे लास्ट स्टेज जो होती है उसकी तैयारी की क्लास में जाने से, तो वह लास्ट होती है शिक्षण युक्तियों का चुनाव। वह यह अपना सेक्शन कर लेता है कि हमें किन शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना है क्लास में, ठीक है। वह जब शिक्षण युक्ति क्या होती है, अब बात यह आ गई, तो शिक्षण युक्ति क्या होती है यह आप जब हमारे पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिक्षण युक्तियों का चुनाव करके, आप उसे आप देख लीजिएगा। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे उनसे खास निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो सभी उनको मिलती रहे। और लिंक में जा करके, ठीक है, लिंक में जाके आप यह क्लिक करके शिक्षण युक्तियों का चुनाव वाला वीडियो देख सकते हैं कि शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वह शिक्षण युक्तियों का चुनाव कर लेता है, ठीक। तो यह उसकी तैयारी होगी शिक्षण में जाने से पूर्व। अब जैसे मैं अपने पे लेकर आता हूँ, मैं पहले आता हूँ तो क्या करता हूँ कि मेरा शिक्षण उद्देश्य होता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाना। उसके बाद पाठ्यवस्तु का है कि शिक्षण की अवस्थाएँ पढ़ाना है। उसके बाद शिक्षण शैली की, शिक्षण शैली का प्रयोग करना है। तो मान लीजिए हमें व्याख्या शैली का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि व्याख्या शैली। उसके बाद शिक्षण व्यूहरचना, यहाँ पर तो हालांकि बालक नहीं है तो इसलिए हम शिक्षण व्यूहरचना के यहाँ पे हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, या ऑफलाइन टीचिंग में ज़्यादा काम देता है। उसके बाद शिक्षण युक्तियों का चुनाव, शिक्षण युक्ति का चुनाव हम यहाँ पे करते हैं। जैसे शिक्षण युक्ति में होती है उदाहरण युक्ति, व्याख्या युक्ति, प्रश्नीकरण युक्ति। तो आपसे प्रश्न बीच बीच पूछते हैं ना कि बताइए इसका क्या हो सकता है, तो हम उदाहरण भी देते हैं। मैं जैसे अभी मैं उसको जो उदाहरण दे रहा हूँ आपको, यह भी एक उदाहरण युक्ति का ही एक क्या है, भाग है कि सबसे पहले पूर्व संख्यात्मक अवस्था पढ़ाया, इसके बारे में बताया, इसके सोपानों को बताया, फिर मैं अपन उदाहरण आपको दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक उदाहरण युक्ति ही है, ठीक है। इसी तरह कई सारी अन्य युक्तियाँ होती हैं। उसके बाद देखते हैं अब दूसरा, हम टीचर तैयार कर लिया इसको क्या पढ़ाना है। अब टीचर जा रहा है कहाँ पे, टीचर जा रहा है क्लास में। अब टीचर जब क्लास में जाता है तो वहाँ पे दूसरी अवस्था हो जाती है, दूसरी अवस्था कहते हैं इंटरएक्टिव फेस। इंटरएक्टिव फेस मतलब कि अंतः सक्रियात्मक अवस्था। अंतः सक्रियात्मक अवस्था का मतलब ये होता है कि कक्षा आकार की अनुभूति, इसको समझने से पहले ये समझिए आप कि अंतः सक्रियात्मक अवस्था क्या है। अंतः सक्रियात्मक अवस्था का मतलब मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ आपको, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अंतः सक्रियात्मक अवस्था का मतलब यही है कि शिक्षक जो है वह क्या करेगा, आपके कक्षा में जाएगा और वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप करेगा वह सभी अंतः सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा टीचर क्लास में जाके, कक्षा आकार की अनुभूति। शिक्षक सबसे पहले जाएगा तो कक्षा आकार की अनुभूति। अब कक्षा आकार की अनुभूति का मतलब क्या है, देखिए कक्षा आकार की अनुभूति का मतलब यह है कि शिक्षक क्लास में इंटर करेगा और देखेगा कि कौन छात्र कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, छात्र बिखर के बैठे हैं कि एक जगह बैठे हैं, और कक्षा में उसे किन किन बच्चों से प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल सकता है, अर्थात जो तेज विद्यार्थी वो कहाँ बैठे हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, इनका शिक्षक ध्यान रखता है क्लास में घुसने पर, ठीक है। इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा आप लोग कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं या कक्षा कितनी बड़ी है यह टीचर देखेगा, कक्षा का अनुमति नहीं, टीचर ये देखता है कि तेज बच्चे कहाँ हैं, कमज़ोर बच्चे कहाँ हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे कहाँ हैं, किन किन बच्चों से उसे शिक्षण में सहायता मिल सकती है, इन सब का वो क्या करता है, अनुभूति करता है। और दूसरा क्या स्टेप, छात्रों का निदान। सर्वप्रथम शिक्षक कक्षा में जाता है तो क्या करता है, छात्रों की समस्याओं का निदान करता है, अर्थात छात्रों को जो भी समस्याएं होंगी टॉपिक संबंधित उनका वो क्या करेगा, सबसे पहले निदान कर लेगा, ठीक। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है शिक्षण की अवस्थाएं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं, नहीं तो आपके मन में हमेशा संशय बना रहेगा कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं, या पढ़ा रहे हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, अंतर सक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट सक्रियात्मक अवस्था, लेकिन ये होता क्या है। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके हम संशय को दूर करेंगे, सबसे पहले बताएंगे शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं और शिक्षण क्या होता है, ठीक है। तो यह साक्षों के छात्रों की समस्याओं का निदान करते हैं शिक्षक। तीसरा स्टेप क्या है, श्यामपटकार। अब कक्षा में गए हैं तो भाई वहाँ पर लेक्चर तो देंगे नहीं, कुछ तो कुछ श्यामपट पे लिखेंगे ही, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक कुछ लिखता है। उसके बाद उद्दीपकों का चयन, वह स्टिमुलस का क्या करता है,
चयन करता है, सिलेक्शन करता है कि किन उद्दीपकों का चयन करके वह कक्षा में बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बाद है उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। जब वह स्टिमुलस का सिलेक्शन कर लेता है तो क्या करता है, उस स्टिमुलस को वो शो करता है। ठीक है, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण करके वह बालकों को समझाने का प्रयास करता है। जैसे अब मैं महाराणा प्रताप टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो महाराणा प्रताप की तलवार की बात हो गई, तो मैं उद्दीपक क्या कर लूँगा, एक तलवार ले लूँगा, एक तलवार का मैं चयन कर लूँगा, तलवार बच्चों को मैं दिखाऊँगा, तो वह क्या होगा, उद्दीपक का चयन हो गया, उद्दीपक मेरी क्या होगी, तलवार हो गई। उसके बाद उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, मैं तलवार दिखा के बताऊँगा कि देखिए महाराणा प्रताप कि तलवार इतने वजन की थी, उनका भाला इतने वजन का था, ऐसे उनकी तलवार होती थी। ठीक है, उद्दीपकों का करेंगे प्रस्तुतिकरण करेंगे, बोर्ड पे करेंगे या हाथ में लेकर के करेंगे, यह शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद पुनर्बलन व प्रतिपुष्टि, शिक्षक जब पूरा अपना पाठ पढ़ा लेगा तो क्या करेगा, क्लियर करेगा, जो उसके टॉपिक होंगे उस टॉपिक संबंधी जो छात्रों में संशय बना रहेगा कुछ शंका का समाधान वो कक्षा में करता है। उसके बाद शिक्षण युक्तियों का विस्तार, वह जिन शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किए रहता है कक्षा में वह उनका वहाँ पे क्या करता है, विस्तार करता है। जैसे वह देखता है कि लेक्चर देने से ज़्यादा बच्चे समझ रहे हैं तो वह और भी लेक्चर दे के समझाने का प्रयास करता है। अगर उसे लगता है कि उदाहरण दे के बच्चे समझ रहे हैं तो उदाहरण दे के समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ क्या हुआ, शिक्षक ने अपना सारा कार्यक्रम तैयार कर लिया, यहाँ पर शिक्षक ने कार्यक्रम को शो कर लिया। अब क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेज है आपका शिक्षण की अवस्थाएं में क्या है, पश्च संक्रियात्मक अवस्था। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बता दे रहा हूँ कि कोई भी किताब ले लेंगे बीएड की, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा, कोई टीचर नहीं बताएगा जितने अच्छे से बता दे रहा हूँ आपके इस, ठीक है, वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, पश्च संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। पश्च संक्रियात्मक अवस्था का मतलब यह है कि शिक्षक शिक्षण कार्य कराने के बाद जो कार्य करता है उसे हम पश्च संक्रियात्मक अवस्था या पोस्ट एक्टिव फेस कहते हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या अवस्था में क्या क्या सोपान होते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें है शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षक जो पढ़ाए रहता है कक्षा में उन शिक्षण कार्यों का क्या करता है, वह मूल्यांकन करता है। जैसे कि हमने पढ़ा दिया अकबर, तो हमने प्रश्न पूछा अकबर का जन्म कब हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया, तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं प्रश्न पूछ करके। उसके बाद शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन विधि में सुधार। अगर शिक्षक को लगता है कि वह जिस हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है वह उसके प्रश्न पूछने का तरीका गलत है, तो उस प्रश्न पूछने के तरीके में, मूल्यांकन के तरीके में क्या करता है, परिवर्तन करता है। हो सकता है कह दें कि बालक आप सभी लोग क्या करते हैं, लिखित विधि का प्रयोग करिए, आप मौखिक टेस्ट मत दीजिए, आप क्या करते हैं, लिख के मुझे बताइए जो मैं अभी पढ़ाया हूँ अकबर का जन्म कब हुआ है। अगर उसे लगता है कि बालक लोग जो हैं वह बहिर्मुखी नहीं हैं तो वह अंतर्मुखी हैं, तो क्या कहता है, बालकों को लिखने के लिए कहता है कि लिख करके बताइए, तो अपने क्या करता है, मूल्यांकन विधि में सुधार करता है। ठीक, करेक्शन इन इवेल्युएशन। अब सबसे लास्ट स्टेज है शिक्षण की प्रतिपुष्टि एंड टीचर फीडबैक। और इन सभी कार्यों करते हुए शिक्षण क्या लेता है, फीडबैक लेता है कि आज जो हमने पढ़ाया वह बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चे उसे कितना अधिगम किए हैं, यह आपके शिक्षक को प्रतिपुष्टि से मिलती है। तो यह जो आपने देखा तीनों, यह आपके शिक्षण की तीनों अवस्थाएं थी, और यह आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम इकाई का अंतिम टॉपिक था। इसी के साथ आपका प्रथम सेमेस्टर के प्रथम इकाई समाप्त होती है। अब अगला जो वीडियो पड़ेगा वह आपके द्वितीय इकाई से पड़ेगा। इस सभी सूचना से आप सभी अवगत हों और अगले वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।